कि दो गोदाम है एआरबी जिनकी ग्रेन रखने की कैपेसिटी जो है वो 100 क्विंटल और 50 क्विंटल्स हैं, और उनको जो है 3 राशन की शॉप्स डी ई और एफ पे जो है जिनकी रिक्वायरमेंट 60, 50 और 40 क्विंटल्स है उनको सामान सप्लाई करना है। तो इस चार्ट में उनका डिस्टेंस जो है और कॉस्ट उनकी पर क्विंटल सप्लाई की बता रखी है कि ए से डी ई एफ और बी से डी ई एफ में जाने पर क्या क्या कॉस्ट पड़ती है। तो हमारे को इसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को मिनिमम करना है और बताना है कि मिनिमम करने के लिए कितनी कितनी मात्रा में कहाँ कौन कौन से गोडाउन से सप्लाई की जाए। तो शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन को। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम जो है इसको जो है डायग्राम बनाएंगे पहले। तो ए जो है ये देखिए गोडाउन है और बी गोडाउन है जिनकी कैपेसिटीज़ जो है 100 यूनिट्स और 50 यूनिट्स, यानी कि टोटल 150 यूनिट्स हैं। और राशन शॉप डी की कैपेसिटी जो रिक्वायरमेंट 60 यूनिट और ई की 50 यूनिट और एफ़ की 40 यूनिट्स हैं। अब हम जो है ये मानते हैं कि ए से डी को जो है और ए से ई को और ए से एफ को जो रिक्वायरमेंट है वो देखिए इसमें जैसे कि टेबल में दिखाया गया कि ए से डी जो है 6 कॉस्ट है 6 पड़ती है, और बी जो है ए से ई आने की कॉस्ट जो है वो 3 पड़ती है, और ए से जो एफ़ जाने की कॉस्ट जो है 2 रुपये 50 पैसे पड़ती है। इसी तरह से बी से डी पे कॉस्ट जो है 4, और बी से ई आने पे 2 और बी से एफ़ आने पे 3 पड़ती है। तो अब हम ये मानेंगे कि ए गोडाउन है वो डी को एक्स यूनिट सप्लाई करता है और ई को वाई यूनिट सप्लाई करता है। तो अब इसकी टोटल कैपेसिटी क्योंकि 100 यूनिट्स की थी तो इसका मतलब जो है एक्स और वाई उसने क्योंकि जो है डी और ई को सप्लाई कर दिया, तो बचे हुए 100 माइनस एक्स माइनस वाई जो है वो एफ राशन शॉप को सप्लाई कर देगा। तो 100 में से x माइनस करने हैं और y माइनस करने हैं, तो ये आपके पास इसका f के लिए सप्लाई आ जाएगी। तो अब क्योंकि x y और 100 माइनस x माइनस y वो नेगेटिव नहीं हो सकते तो वो तो या तो 0 होंगे या 0 से बड़े होंगे। तो x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और x 100 माइनस x माइनस y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो इसको जो है देखिए अब कैसे बना ये x प्लस वाई इज़ लेस देन और इक्वल टू 100, तो इसके लिए हमने ये देखिए रखा। तो x और y को जो है हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो इधर जो है आपका x प्लस वाई जो है वो क्या हो गया 100 से छोटा हो गया, तो इसका मतलब छोटा या बराबर होगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो है 3 कंडीशंस आ गई कि एक्स जो है वो 0 से बड़ा या बराबर है, वाई 0 से बड़ा या बराबर है, और जो है एक्स प्लस वाई जो है वो 100 से लेस और या इक्वल है। अब क्योंकि डी राशन शॉप की रिक्वायरमेंट 60 यूनिट थी और ए ने उसको एक्स सप्लाई कर दिए, तो बी जो है उसको 60 माइनस एक्स सप्लाई करेगा क्योंकि 60 यूनिट्स की उसकी रिक्वायरमेंट है। तो 60 माइनस एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब 60 इज़ ग्रेटर देन एक्स, यानी कि एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू 60 होगा। तो अब देखिए जो है ई जो राशन शॉप है उसकी रिक्वायरमेंट 50 यूनिट्स हैं और ए ने उसको जो है वाई यूनिट सप्लाई किए हैं, इसका मतलब बी को उसको 50 माइनस वाई यूनिट सप्लाई करने पड़ेंगे। तो अब 50 माइनस वाई भी जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, तो इसका मतलब जो है वाई जो होगा वो 50 से बड़ा या बराबर होगा। तो इसका वाई जो है 50 से छोटा या बराबर होगा, लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा। और अब जो है बी के पास क्योंकि 50 यूनिट थे तो वो जो है एफ को जो है सिक्स जो है 50 में से 60 माइनस एक्स और 50 माइनस वाई माइनस कर देने पर, यानी कि जो उसने डी और ई को सप्लाई किया बचे हुआ जो है एफ को सप्लाई करेगा। अब इससे जो है आपका एक्स प्लस वाई माइनस 60 जो है इसका मतलब यूनिट जो है उसने एफ को सप्लाई किए हैं। अब ये भी क्योंकि जो है नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब एक्स प्लस वाई माइनस 60 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू
जीरो हो जाएगा। तो इसका इससे जो होगा कि 50 - y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो से आएगा कि y जो है वो आपका लेस देन और इक्वल टू जो है 50 हो जाएगा, और दूसरे वाला जो है आपका x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, उससे आपकी ये कंडीशन आ जाएगी कि x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, क्योंकि जो है 60 को आप जो है लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाएंगे तो x प्लस वाई माइनस 60 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। तो अभी देखिए ये जो है आप इसको f की रिक्वायरमेंट 40 यूनिट है, तो जरूरी नहीं है कि b के तरफ से इसको किया जाए। आप देखेंगे कि a ने f को 100 - x - y सप्लाई किया, तो 40 में से 100 - x - y माइनस कर देने पर भी x प्लस वाई माइनस 60 ही आता है। अब हम इसको जो है इसको मिनिमाइज ट्रांसपोर्ट की कुल कॉस्ट निकालते हैं। तो देखिए 6 को x से मल्टीप्लाई करने पर 6x और 3 को y से मल्टीप्लाई करने पर 3y, और 2.5 को 100 - x - y से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसी तरह से 4 को 60 - x से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट यही पड़ रही है। और दूसरे की जो है बी से ई को जो है करने के लिए 2 को 50 - y से, और डी बी से एफ के लिए 3 को जो है एक्स प्लस वाई माइनस 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए 6x और माइनस में 2.5x और माइनस के 4x और प्लस के 3x, इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू x के लिए आ जाएगी, और फिर 3y और माइनस के 2.5y और माइनस के 2y और प्लस के 3y, इनको सॉल्व करने पर जो है आपके पास आता है 2.5x और प्लस में 1.5y, और इसी तरह से 2.5 को 100 से मल्टीप्लाई करने पर 250 और 4 को 60 से मल्टीप्लाई करने पर 240 और प्लस 2 को 50 से करने पर 100 और 3 को माइनस के 60 से करने से माइनस के 180, यानी कि हमारे पास जो है जेड आया 2.5x प्लस 1.5y प्लस के 410, और पहले की कंडीशंस जो है ये दे रखी हैं। अब इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। अब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाला फर्स्ट कंडीशन ये बताती है कि हमारे को इसको सिर्फ जो है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही प्लॉट करना है, और दूसरे जो है कंडीशन है एक्स प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 100। तो इसको जो है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100 जो है एक आप इक्वेशन बना लेते हैं, और इसको जो है आप 100 से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड, तो एक्स अपॉन में 100 प्लस में वाई अपॉन में 100 इक्वल टू 1 आता है। तो इससे मतलब एक्स जो है वो 100 होगा और वाई 0 होगा, और दूसरे में एक्स अगर 0 होगा तो वाई 100 होगा। तो ये जो है इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी लाइन होगी वो एक्स को जो है वो 100 0 पे और वाई को 0 100 पे काटेगी। तो इसी तरह से तीसरी वाली कंडीशन है कि एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 60। तो एक्स इज इक्वल टू 60 करेंगे तो एक्स जो है ये अभी जो लाइन खींची गई है इसके हर पॉइंट पे 60 है, तो ये वाई के पैरेलल 60 डिस्टेंस पे एक लाइन खींची जाएगी। इसी तरह y इज इक्वल टू 50 जो है वो x एक्सिस से 50 डिस्टेंस पर लाइन खींची जाएगी, तो ये इस तरह से आ जाएगी x एक्सिस के पैरेलल में 50 डिस्टेंस पर। और लास्ट में जो है फिफ्थ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, तो लेस देन और इक्वल टू की जगह हम जो है इक्वेशन की फॉर्म में रखेंगे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, और पहले जो सेकंड वाले की तरह इसको 60 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो ये जो है हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका मतलब जो ये हुआ कि जो हमारी लाइन होगी वो एक्स को 60 0 पे और वाई को 0 60 पर जो है काटती है। तो अब इस तरह से इसको प्लॉट करने पर हमारे पास अब जो लाइन आएगी वो इस तरह से आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये एरिया आ गया। अब हमारे को इसको शेड करना है। शेड करने की कंडीशन ये होती है कि आपको देखें कि ओरिजिन किस साइड पड़ता है। तो
जैसा कि आपको पता है कि x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, तो x की जगह जीरो और y की जगह जीरो रखने पर जो है जीरो ही आएगा लेफ्ट साइड में, और जीरो जो है 100 से कम है, इसका मतलब ये इसको जो है नीचे की तरफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 को नीचे की तरफ इस तरह से शेड किया जाएगा। और अगर मान लो कोई लाइन अगर ओरिजिन से ही पास होती है, फिर कोई दूसरा पॉइंट लेके भी आप कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ऐसी कोई लाइन नहीं है, इसलिए इसमें इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ओरिजिन से ही सारे निकल आएंगे। अब वाई जो एक्स इज लेस देन इक्वल टू 60 है, तो एक्स इज ज़ीरो रखेंगे तो ज़ीरो जो है 60 से छोटा है, तो कंडीशन ट्रू होती है। इसका मतलब इसको भी जो है हम लेफ्ट साइड में शेडेड करेंगे। चौथी वाली में वाई की जगह ज़ीरो रखते हैं तो ज़ीरो इज लेस देन 50 होने पर जो है ये ट्रू होता है, तो इसका मतलब ओरिजिन की साइड को ही इसको यानी कि नीचे की तरफ को शेड करेंगे। और पांचवी वाली में और जीरो एक्स की जगह जीरो और वाई की जगह जीरो रखने पर जीरो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 आता है, जो कि फॉल्स है। इसका मतलब जो है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60 को ऊपर की तरफ शेड करेंगे। अब हम देखते हैं कि ये जो है सबसे जो हर बार हिस्सा जो है शेड हुआ है वो ये है, तो इसमें ए बी सी डी जो है एक हमारे पास फिगर बना, तो ए बी सी डी वाला हिस्सा जो है ये बार बार शेड हुआ, इसीलिए यही जो है हमारा जो है अभिष्ट एरिया है यानी कि ऑप्टिमल रीजन है, और इसी के जो कॉर्नर्स को सॉल्व करने से हमारे पास जो है हमारा आंसर आएगा। तो हम जो है इसमें ए और बी का कॉर्नर निकालते हैं, वो होगा 60.0 और बी जो है वो 60.40 और सी जो है 50.50 और डी जो है वो आपका होगा 10.50। तो इस तरह से जो है आपके पास चारों जो है कॉर्नर पॉइंट आ गए। अब इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स का हम करेंगे क्या, इसका लिए जो है हमने जो अभी जेड जो है की वैल्यू निकाली थी, उस वाली वैल्यू के अंदर इस वैल्यू को इनको बारी बारी से सारे कॉर्नर्स को रखना है, और वो कॉर्नर हैं ए 60.0, बी 60.40, सी 50.50 और डी 10.50। इनको रख के जो है हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है निकालेंगे कि क्या कौन से जो है ये इनकी वैल्यू क्या आती है। तो देखिए यहाँ जेड की जेड जो है 2.5x प्लस 1.5y प्लस में 410 है, तो ए के एक्स की जगह 60 और वाई की जगह 0 रखने पर हमारे पास पहले वाले में जेड जो है 560 आता है। इसी तरह बी वाले में एक्स की जगह 60 और वाई की जगह 40 रखने पर हमारे पास जेड की वैल्यू जो है 620 आती है, और सी पॉइंट में एक्स की जगह 50 और वाई की जगह 50 रखने पर जेड की वैल्यू जो है 560 आती है, और डी जो है जो उसमें एक्स की जगह 10 और वाई की जगह 50 रखने पर जो है जेड की वैल्यू 510 आती है, जो कि मिनिमम है। इसका मतलब हमारे को ट्रांसपोर्ट वैल्यू मिनिमम करनी है, तो और वो किस पॉइंट पर आ रही है, डी पॉइंट पर, यानी कि एक्स 10 और वाई 50 होने पर ये वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, यानी कि 510 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो है डी जो राशन शॉप है उसको 10 जो है क्विंटल सप्लाई करना है, और वाई जो है वो क्योंकि हमने ई को सप्लाई किया था, तो जो है पी से जो है वाई को जो है वाई जो 50 होने से उसको 50 यूनिट ई को, और जो है एफ को जो है 40 यूनिट जो है पी से सप्लाई किए जाएंगे, यानी कि पी जो है डी को 10, ई को 50 और जो है एफ को 40 क्विंटल सप्लाई करेगा, और जो है दूसरे वाला क्यू जो है वो पी को वो डी को जो है 60 माइनस एक्स यानी के 60 में से 10 का 50 यानी के 50 क्विंटल सप्लाई करेगा, और जो है क्यू जो है वो ई को 50 माइनस वाई यानी के 50 माइनस 50 यानी के 0 यूनिट सप्लाई करेगा, और जो है एफ को जो है क्यू से 0 सप्लाई होगा क्योंकि 10 प्लस 50 माइनस 60 है यानी कि 60 माइनस 60 इज इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब जो है हमारे पास मिनिमम कॉस्ट करने के लिए P से 10, 50, 40 और Q से
जो है 5000 यूनिट सप्लाई करने पड़ेंगे। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।